अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक न्यू वीडियो में। गाइस ये वीडियो जो है ना बहुत ही सैड न्यूज है। सारे ड्राइवरों के लिए एक सबक भी है कि ऐसी गलती ना करें हम लोग तो अच्छा रहेगा। मैं सिर्फ दूसरों को नहीं कहूंगा, मैं खुद को भी कहूंगा कि मैं भी कभी ऐसी फ्यूचर में गलती ना करूं, नहीं तो मेरे लिए भी बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है। और ये ऐसी गलती है कि भाई हर कोई कर देता है, अनजाने में कर दे चाहे जानबूझ के कर दे, कर ही देता है। क्योंकि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे, थंबनेल में आप देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूं आप लोगों को और कौन सी गलती जो है नहीं करने के लिए बोल रहा हूं आप लोगों को। और एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इतना खतरनाक कुवैत का कानून, इतना खतरनाक है कुवैत का कानून, और ये सब जानते हुए भी ऐसी हरकत कैसे कर देते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। सिर्फ कुवैत का कानून नहीं यार, मैं कह रहा हूं कि सऊदी हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, यानी जितनी भी गल्फ कंट्री है, इन गल्फ कंट्रियों का इतना खतरनाक, इतना सख्त कानून है इस मामले को लेकर खास तौर पर, और फिर भी लोग ऐसी गलती कर देते हैं, कैसे करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। गाइस क्या डिटेल्स है, क्या है सारी कहानी, आप लोगों को सब कुछ मैं बताऊंगा आखिरी तक। और लास्ट तक वीडियो में बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाले वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस बात करते हैं इस बंदे के बारे में। ये जो बंदा है ये मेरे को मिला था नहीं, मैं गया था कल, क्या हुआ था, कैसे मुझे ये पता चला। देखो ये कहानी मेरे आसपास की नहीं है, मतलब ये जो है बंदा है मेरे आसपास का नहीं है। मैं जो है कल गया था जहरा में, आप लोगों को बता दूं कि मेरी मैडम का कपड़े का बिजनेस है ऑनलाइन, तो मुझे डिलीवरी भी करना पड़ता है, ठीक है, मेरी भी बहुत लंबी कहानी है, तो मुझे डिलीवरी भी करना पड़ता है। तो मैं एक डिलीवरी लेकर गया था जहरा में, और जिस घर पे लेके गया था उसी घर की ये कहानी है। मैं वहां पे जाके बेल मार मार के थक गया यार, कोई बाहर ही नहीं आ रहा था। मेरे को लगता है उस टाइम ही बहुत लफड़ा घर में चल रहा था, तो कोई बाहर नहीं आता। थोड़ा देर के बाद जो है एक ड्राइवर था वो बाहर आया, उसने बोला, मैं उसको बताया यार ये तुम्हारी मैडम का डिलीवरी है, तो वो अभी डिलीवरी तो ले ही रहा है, लेकिन एक देख रहा हूँ रोते हुए बैग लेके घर से बाहर निकल रहा है, रो भी रहा है और घर से बाहर निकल रहा है बैग लेके। तो मैं उस ड्राइवर से पूछा, उससे तो मैं पूछने गया तो वो मुझसे बात ही नहीं किया, वो सीधा चला गया उधर। हालांकि उसको टैक्सी वैक्सी कुछ नहीं, पता नहीं कैसे जा रहा था, मालूम भी नहीं मेरे को सारी कहानी क्या हुआ वहां से, वो कैसे गया, वो बस यहां से चलता ही जा रहा था। तो मैं थोड़ा सा रुक गया, ये जो दूसरा वाला ड्राइवर था उससे मैं बात करने लगा, क्या बात है यार ये तुम्हारे घर का बंदा है क्यों ऐसे रोते हुए जा रहा है, क्या हुआ। तो मैं थोड़ा सा रुका और उसने मेरे को ये बातें बताई, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या बातें उसने बताई है, कैसे यहाँ तक ये घटना पहुंची है। गाइस इससे हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, मुझे भी आप लोगों को भी। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखें आखिरी तक, ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। तो गाइस हुआ ये था कि ये लड़का जो है अभी ज्यादा दिन इसको नहीं हुआ था, मुश्किल से 6 महीना बता रहा, 6 महीना 5-6 महीना हुआ था उसको आके यहाँ पे, और जो है कि काम अच्छे से कर रहा था। लेकिन जानते हैं कि हर एक घर में नौकरानी रहती है, ठीक है, हर एक घर में नौकरानी रहती है, और जो है ड्राइवर के पास उसका नंबर भी रहता है, खास करके कुवैत में तो ज्यादातर रहता है, क्योंकि जो है कि सारा काम जो है ड्राइवर और नौकरानी दोनों मिलके ही करते हैं। कहीं आना जाना होता है, बच्चों को स्कूल लेने जाना रहता है, तो भी नौकरानी ड्राइवर के साथ जाती है। और ज्यादातर इनका काम जो रहता है ये डायरेक्टली फोन करके नहीं बोलते हैं, डायरेक्टली खदामा को बोल देते हैं, ड्राइवर को ये बोल दो, तो इस वजह से ड्राइवर के पास ये नंबर रहता है। लेकिन ये नंबर इसलिए रहता है, ये इसलिए सिर्फ काम के लिए रहता है, लेकिन कुछ लोग इसका गलती इस्तेमाल करने लगते हैं, ठीक है। तो ये काम के लिए रहता है नंबर, और इसका जो है ये भाई साहब गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इन्होंने थोड़ा ज्यादा ही दोस्ती बढ़ा ली उससे, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि इस भाई ने कुछ मतलब गलत काम किया है, नहीं, कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन इनके नजर में सिर्फ बात करना वो भी बिना काम का, समझ लो कि ये गलत है। और ये लोग की सोच भाई वहीं जाती है, वहीं जाके रुकती है, ठीक है ना, मालूम है कहां, आप लोग को पता होगा कहां जाके रुकती है, ठीक है। तो ये सिर्फ इसकी मैडम जो है इसको देख लेती बात करते हुए, ड्राइवर को तो नहीं देखी थी, नौकरानी को देखी थी, क्योंकि ड्राइवर तो बाहर रहता है अपने रूम में, नौकरानी घर में रहती है, तो उसको देख लेती, वो भी वीडियो कॉल पे। अब वीडियो कॉल पे बात करता हुआ देख ली, तो अब ये जो है मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ बात ही कर रहा था, सिर्फ बात मतलब अब इन लोगों में दोस्ती ज्यादा बढ़ गई होगी, तो ये लोग सिर्फ बात कर रहे थे, कोई गलत चीज तो नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बात करना ही बहुत बड़ा जुर्म है भाई, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि आप सिर्फ बात कर रहे हो, ये तो सीधा सोच लेंगे भाई साहब जब ये लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं तो हमारे ना रहने में ये पता नहीं क्या क्या करते होंगे, ठीक है। इनकी सोच सीधे वहीं पे जाती है, क्योंकि ऐसा कांड बहुत हो चुका है, इसलिए इनकी सोच वहां पे जाती है, ऐसे ही नहीं जाती है यहाँ पे, मतलब कि सिर्फ गल्फ कंट्री में ऐसे बहुत सारे कांड है। अभी आप लोग कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ साल पहले आप लोग अगर देखे होंगे, वीडियो वायरल हुई थी सऊदी की, जो एक सऊदी खदामा और जो ड्राइवर एक साथ जो है रूम में सो रहे थे, गाड़ी में भी मैडम ने उन लोगों का वीडियो बनाया था कि दोनों हाथ पकड़ रहे थे, तो आप लोग देखे होंगे ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी। तो ऐसी चीजें होती रहती, इसलिए इन लोगों का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। और भाई ऐसा हुआ, वो बंदा जो है बहुत रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था मैडम के सामने कि मैं सिर्फ बात कर रहा था, कुछ गलत नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा था। मैडम बोली तुम बात ही क्यों कर रहे थे, सिर्फ काम से रिलेटेड बात करना है, सिर्फ काम से रिलेटेड, बाकी और तुमको कोई बात नहीं करना है, तुम क्यों बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब क्या करोगे भाई,
यही सब कहानी थी। उस बंदे ने मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, हालांकि ये बंदा पता है शादी शुदा बंदा है, दो बच्चों का बाप है यार, ऐसी शर्म वाली हरकत करते क्यों हो जिसपे तुमको खुद रोना आए है? फंसने वाला काम खुद करोगे फिर रोगे यार तुम्हारे घर के। मुझे ये नहीं समझ आता, अगर इनको घर वालों को पता चलेगा कि ये दो बच्चे का माँ बाप है, इसकी वाइफ है, इसके बच्चे हैं, अगर इन लोगों को घर वालों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे इसके बारे में? तो ये लोग कुछ भी सोचते नहीं, मुंह उठा के बस क्या है कि जो मन में आया वो करते रहो। और इतनी हिम्मत कैसे इन लोगों की हो जाती है ऐसा काम करने की? मैं तो भाई साहब देखो, मैं तो यहाँ पे आया था, मेरे घर का एक खतरनाक वाला रूल है, कफील ने सीधे ही बोल दिया था कि यहाँ पे हम लोग के नौकरानी के साथ समझ लो सिर्फ काम से काम बात करना है, तुम लोग की महीने में दो छुट्टी मिलती है, बाहर जाके क्या करोगे मुझसे कोई मतलब नहीं। और ये हकीकत है यार, यहाँ पे तो इतना थोड़ा सा बाहर के टाइप में थोड़ा सा फ्रीडम इतनी है कि अगर किसी को गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाए हो या बनाना चाहते हो तो बाहर का बनाओ, महीने में दो छुट्टी मिलती है, ले जाके मालिया में घुमाओ, घूमो फिरो, क्या मुश्किल है? लेकिन तुम घर के अंदर क्यों काम करके ऐसा काम करते हो? ऐसे ड्राइवर के वजह से सारे ड्राइवर की बदनामी होती है और ये लोग हर ड्राइवर को शक की नजर से देखते हैं। तो गाइस आप लोग ऐसी गलती मत करना, नहीं तो मालूम है क्या होगा आप लोगों के साथ, इस भाई के साथ जो हुआ है वही चीज आप लोगों के साथ भी हो सकती है और इससे बुरी भी हो सकती है। इनके साथ तो बस इतना ही हुआ कि इनको सीधे घर से भगा दिया, ठीक है, बोला कि यहां से निकलो, कैसे जाओगे घर मुझे नहीं पता, ना उनको पैसा दिया ना उनको कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ उसका पासपोर्ट दे दिया। अच्छी बात है कि उसने पासपोर्ट दे दिया, ठीक है, उसको पासपोर्ट दे के घर से बाहर निकाल दिया, बोला कि निकलो यहां से, और उस नौकरानी को भी भगा दिया, दोनों को ही घर से बाहर निकाल दिया, बोला तुम लोग को अपने अपने कंट्री जाओ, कैसे जाओगे मुझे नहीं पता, एक रुपया भी मैं नहीं दूंगा तुमको। अब लोग कैसे गए कैसे नहीं गए मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पूछा नहीं, वो मैं गया था, मेरे सामने से वो बाहर गया था, तो मुझे नहीं पता वो कैसे गया कैसे नहीं गया। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग इस चीज को देख के एक सबक हासिल करो कि जो भी करना है अपने घर में कभी मत करो, जिस घर में काम करते हो उस घर में ऐसी हरकत कभी मत करो, बाहर करो जो मर्जी आए करो, ठीक है। लेकिन मैं बाहर करने के लिए भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अगर बाहर भी पकड़े गए तो मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन चल जाता है थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी फ्रीडम है। तो गाइस यही इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए ये चीजें आप लोग को, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं, पुराने लोग हैं और जो है कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर ही देते हैं, तो मुझे लगा यही चीज आप लोगों को बताना चाहिए। तो गाइस अगर वीडियो समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।